In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. अक्टूबर 1869 ई ओ तारीख जोन भारत के इतिहास में अपन यादगार छाप छोड़ले बाती। एगो ऐसन हस्ती के जन्म होल रहल जिनकरा सब कोई महात्मा गांधी नाम से जानेलन सा, जे भारत में बरतानी शासन के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका में भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहलन, जहां परी ओ भारतीय नागरिक लोग के अधिकार खातिर वकालत करले रहलन। गांधी जी वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी रहलन। वो भारत तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एगो प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता रहलन। हर बरिस 2 अक्टूबर के जहां भारत में महात्मा गांधी के जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनावल जाला, दुनिया भर में उही दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनावल जाला। मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म भारत के पोरबंदर गांव में होल रहल। उनकर पिता के नाम करमचंद गांधी रहल, उनकर माँ के नाम पुतली बाई रहल। 13 बरिस के जब उहोइलन उनकर शादी 14 बरिस के कस्तूर बाई मकंजी के संगे कर देवल गल। ये दोनों के पहला संतान के मरला के बाद 4 संतान होल, यानी 4 बेटा हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। गांधी जी बहुते होनहार रहलन। वो अपन पढ़ाई जारी रखलन। उनकर परिवार उनकरा वकील बनावे के सपना देखत रहल। अपन 19वां जन्मदिन के दौरान वो 4 सितंबर 1888 के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून के पढ़ाई खातिर अंग्रेजीय गयलन। १९१५ में वकालत के पढ़ाई के बाद भारत आए से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के नागरिक लोग के अधिकार खातिर संघर्ष करन। भारत लौटला पर वो पूरा भारत के दौरा करन, किसान, मजदूर, श्रमिक लोग के जमीन संबंधी समस्या, भेदभाव के समस्या, इस सब के विरुद्ध संघर्ष शुरू करलन। 1921 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बागडोर संभालन। अपन काम से वो भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के बहुते तरह से प्रभावित करलन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। १९३० में वो नमक सत्याग्रह करलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करलन। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कितने हला उनकरा, कितने बरिस खातिर जेल भी जाए के पड़ल। It is complete independence that we want. आज दुनिया भर में ई महापुरुष के याद करल जला, उनकरा सम्मान देवल जला।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जब बात करी ला जा त उनकर से जुड़ल तीन गो बंदर के कहानी के बात के नहीं चाहेला भुलाई के कैसे ई तीनों बंदर के नाम बापू के संगे जुड़ल रहल। ई बोलल जाला कि ई बंदर लाशिन से बापू तक पहुंचल रहल। असल में देश विदेश से अक्सर सलाह ले खातिर आदमी लोग बापू से भेंट करे खातिर आवत रहलन सब। तब्बे उनकरा ई भेंट में मिलल रहल और ई बापू जी ई बंदर के संभाल के रख देले रहलन। ई बंदर के नाम है मिजारू, किजारू और इवाजारू। ई तीनों बंदर कौन सिद्धांत दर्शैले हवन सा वो ई तरह से है। मिजारू बंदर अपन दुनो हाथ से आंख बंद कर ले बाती। एकर शिक्षा है बुरा मत देखो। किकाजारू बंदर अपन दुनो हाथ से कान बंद कर ले बाती, यानी बुरा नहीं चाहेला सुने के। इवाजारू बंदर अपन दुनो हाथ से मुंह बंद कर ले बाती, मतलब है बुरा नहीं चाहेला बोले के। मोहनदास करमचंद गांधी श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित रहलन, जेकर में निस्वार्थ सेवा करे के बात पर जोर देवल कर बाते। गांधी जी बोले, जब उनकरा कुछो संदेह सतावे या उनकरा कोनो उम्मीद नजर न आवे या निराशा सामने नजर आवे त उ भागवत गीता के श्लोक ध्यान पूर्वक पढ़त रहलन, जेकर से उनकरा राहत मिले और इस सब दुख तथा चिंता के बीच उनकर चेहरा पर यकायक मुस्कान चलावे। गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर चल के भारत के आजादी दिलावे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाईले हवन। उनकर ई सिद्धांत से दुनिया के नागरिक लोग प्रेरित होल हवन सा। गांधी जी के भारत के राष्ट्रपिता बोलल जाला। उ मानव जाति खातिर एगो मिसाल हवन। उ हर परिस्थिति में अहिंसा और सच्चाई के पालन करत रहलन और जनता से भी एकर पालन करे के मांग करत रहलन। उ हमेशा भारतीय पोशाक धोती और सूत से बनल शाल पहनत रहलन। हमेशा शाकाहारी भोजन करत रहलन। ई महापुरुष आत्म शुद्धि खातिर लंबा उपवास भी रखत रहलन। गांधी जी आज हमनी के बीच नहीं हवन, लेकिन हर 2 अक्टूबर के जहां उनकर जयंती मनावल जाला वही तारीख के उनकर याद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनावल जाला। काहे के उनकरा अहिंसा के पाठ सिखावे होला वैश्विक नेता मानल जाला।